Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक शुरू हो गया है। बर्खास्त किए गए मंत्री श्याम रजक ने विधायकी छोड़ दी है। उन्होंने विधानसभा स्पीकर विजय चौधरी को अपना इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि श्याम रजक जनता दल यूनाइटेड जेडीयू छोड़ने वाले थे। उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री पद और पार्टी से हटा दिया था। इस बीच खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही तेजस्वी यादव श्याम रजक को पार्टी में शामिल कराएंगे। बीते कई से श्याम रजक आरजेडी के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले थे। हालांकि इससे पहले ही श्याम रजक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके साथ ही उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया। कल ही राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर मुहर लगा दी थी। जेडीयू की ओर से कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम रजक को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते हुए दल से निष्कासित कर दिया है। काफ़ी पहले से ही श्याम रजक के आरजेडी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। श्याम रजक एक समय में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार में राबड़ी देवी सरकार में श्याम रजक मंत्री भी बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि जेडीयू में श्याम रजक अपने अनदेखी से काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जिसके बाद से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। अगर हम बात करें तो एनडीए से यानी कि जेडीयू से हटकर जिस तरीके से श्याम रजक आरजेडी का दामन थामने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी के तीन विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो निष्कासित पार्टी से सदस्य जो एमएलए 3 हैं वो जाकर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो पूरा अगर हम मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं जोड़ गठजोड़ और इधर से उधर भागने की राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.